खाद की आपस जिले में जो लगातार जो है कालाबाजारी और साथ ही वितरण प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े करते हुए यहाँ पर कांग्रेस ने जमकर सरकार पर हमला बोला है और नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है खाद की किल्लत लगातार जो है विकराल रूप लेती जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर खाद की समस्या को लेकर किसान पिछले कई दिनों से लगातार परेशान हो रहे हैं और किसान खाद के लिए सड़कों पर उतरकर जो है धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर महिलाएं भी जो है घर छोड़कर खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में जो है दिन रात लगे, लेकिन किसानों का कहना है कि यहाँ पर शासन प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा है और साथ ही विपक्ष भी यहाँ पर किसानों की आवाज उठाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा की अगुवाही में यहाँ पर जो है सैकड़ों से भी अधिक कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट कार्य जो है कार्यालय पहुंचे और वहां पर जो है ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग। प्रशासन भी काम कर रहा है शासन के सहारे पे, तो मेरी तो जे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से जे आग्रह है कि सरकारें बदलती रहती हैं समय के साथ, आपको अपने नैतिक जो कर्तव्य पद हैं उन पर का ध्यान रखते हुए आपको जायज चीज़ों के हिसाब से जो खाद वितरण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कालाबाजारी का काम कर रहे हैं आपकी आंखों के सामने, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, आप चुप होकर क्यों उनके संरक्षण में बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर समय सबका बदलता है, आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश के मुखिया हम सब के नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित करने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। आम जनता त्राहिमाम कर रही है, ये हमारे देश में हमारे प्रदेश में मंजूर नहीं होना चाहिए। और आप लोग एक बहुत बात कम भी बताना चाहता हूँ इसके पीछे की, कि जो तीन काले कानून आए हैं, हो सकता है कि पहली बार जिस तरीके से खाद की इतनी बड़ी किल्लत हुई है वो कानूनों को पास कराने के लिए, ताकि लोग परेशान हों, अपनी बटाई पर खेती देने को तैयार हों, कॉन्ट्रैक्ट पर देने को तैयार हों, वो सब चीज़ें उनकी लागू हो जाए, ये भी एक आशंका मैं जताता हूँ इस माध्यम से।